हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। तो आज हमारा सबसे पहला न्यूज है गोकू फहीम के बारे में। तो ये एक बहुत पुराने फ्री फायर प्लेयर हैं और फ्री फायर ई स्पोर्ट को ग्रो करने के लिए ये बहुत कुछ किए हैं, जैसे कि ये खुद से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाए हैं और सैडली ये पिछले एक साल से ब्लड कैंसर से सफर कर रहे हैं। इनके ट्रीटमेंट में जितना भी अमाउंट चाहिए था उसके लगभग आधे फंड्स उसके फैमिली के तरफ से अरेंज हो चुके हैं और बाकी के फंड्स अरेंज करने के लिए उनको हेल्प चाहिए। उनको डोनेट करने का जो वेबसाइट है उस पर अभी तक बहुत सारे लोग और बहुत सारे यूट्यूबर्स डोनेट कर चुके हैं, जैसे कि कैरी मिनाटी, 8-bit थग वगैरह, और फ्री फायर कम्युनिटी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे यूट्यूबर्स डोनेट कर चुके हैं। स्पेशली अनग्रेजुएट गेमर कल अपने चैनल पे इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किए थे। इसके बाद बहुत सारे लोग डोनेट कर चुके हैं। उनके वीडियो का छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। बहुत ही पुराने फ्री फायर प्लेयर से मिलाने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने 2017 नवंबर दिसंबर में गेम स्टार्ट किया था खेलना और ये 2018 से मेरे साथ अभी तक हैं। और ये एक फ्री फायर के प्लेयर तो है ही है, एक अच्छे इंसान भी है, प्लस एक ई स्पोर्ट प्लेयर है। ठीक है, कभी भी कुछ भी हेल्प मांग लो सबसे पहले कूद के बोलते हैं हाँ मैं हूँ हेल्प करने के लिए। इन्होंने फ्री फायर के लिए क्या किया है, तो गाइज ये रहते हैं गुजरात में भरूच में। आप पीछे वाली क्लिप देख रहे हो, देखते रहो इसको ध्यान से। तो ये इनका गाइज एक खाली फ्लैट पड़ा था, ठीक है, तो इन्होंने उसमें लाइट लगवाई, गद्दे वगैरह बैठने की जितनी भी जगह हो सकती है वो कराया, इंटरनेट मतलब वाईफाई लगवाए। किसके लिए, उन बच्चों के लिए जो ई स्पोर्ट में इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है। सो गाइस, गोकू भाई के साथ हाल फिलहाल में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम या ट्रेजेडी बोल सकते हो चुकी है। गोकू भाई को गाइस ब्लड कैंसर निकला। ब्लड कैंसर आपको पता है कितना बड़ी प्रॉब्लम है गाइस। ओके, एंड ये बात मेरे को ब्लड कैंसर वाली पता है, पिछले एक साल से गोकू भाई ने गेम तो लगभग सब छोड़ ही दिया है, इनएक्टिव है बिल्कुल। ओके, तो मैं जब भी उनसे पूछता हूँ गोकू भाई कैसे हो, भी आपकी तबीयत कैसी है, हॉस्पिटल से कब लौटोगे, कब फ्री फायर में लौटोगे, तो जस्ट वो नॉर्मल बता देते हैं। अभी भी पूछता हूँ ना बताते हैं आयुष बिल्कुल ठीक हूँ, हो जाऊंगा, सही हो जाऊंगा। लेकिन मेरे को हाल फिलहाल पता चला कि उनका थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है, मतलब थर्ड स्टेज, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम गाइस। और मैं आपको जल्दी से पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ किस तरह से हमको क्या करना है, क्या कर सकते हैं गाइस, वरना ज़्यादा देर ना हो जाए। ठीक है, वैसे ही मैं 10-15 दिन लेट हूँ इस वीडियो में, बताऊंगा आगे क्यों वो बताऊंगा। अभी आपको बताता हूँ गाइस, इनका जो ऑपरेशन है एडमिट है अपने अपोलो अहमदाबाद में। ओके, और इनका जो 60 से 65 लाख का कुछ खर्चा था ऑपरेशन का, जो कि अभी आधा हुआ है, BMT बोलते हैं इसको, ब्लड चेंज होता है जो, ठीक है, तो उसमें 30 लाख रुपए इनकी जो फैमिली ने कैसे भी इकट्ठा कर लिए, फैमिली ने, और अभी इनको चाहिए 30 लाख और। तो इनके लिए गाइस एक फाउंडेशन ने फंड रेज करना स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें अभी तक अपने कैरी मिनाटी ने डोनेट कर दिया है गाइस, मॉर्टल भाई ने भी डोनेट किया है और थग भाई ने भी किया है। वैसे तो हर एक छोटी से छोटी डोनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर फ्री फायर कम्युनिटी से सबसे ज्यादा जो डोनेट किए थे वो है टीम एलीट, इनके तरफ से 1 लाख रुपीज डोनेट किया गया। तो अगर आप भी डोनेट करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जगह डोनेट कर सकते हो। गाइस, अनग्रेजुएट गेमर के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो अपने कल के वीडियो में बहुत ज्यादा गुस्सा थे न्यूज चैनल्स के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर बड़े न्यूज चैनल कंट्रोवर्सी के न्यूज तो बहुत सही से कवर करते हैं, पर गोकू फहीम के टॉपिक के ऊपर पहले कोई भी न्यूज कवर नहीं किए थे, और पार्टिकुलरली सबसे ज्यादा गुस्सा थे श्री YT के ऊपर। तो क्या कहते इस टॉपिक के ऊपर आप खुद सुन लीजिए। अभी बात आती है गाइस, ये गोकू भाई वाली स्टोरी आप लोगों तक पहुंची कैसे, नहीं मतलब मैं बता रहा हूं आपको ये बात, जबकि आपको ये बतानी चाहिए फ्री फायर के न्यूज चैनल द्वारा, जितने भी ये न्यूज चैनल है भाई, इतने गिरे हुए लोगों ना तुम लोग भाई, व्यूज के लिए बस इनको कंट्रोवर्सी उठानी आती है और करवानी आती है। मैं आपको बताता हूँ एक सीन, देखो 15 दिन से अपने कैरी भाई इसको रिट्वीट किए जा रहे हैं, गोकू भाई की हेल्प के लिए रिट्वीट किए जा रहे हैं, उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी डाली, ठीक है, चलो उनको छोड़ो, उनको चलो ये लोग नहीं फॉलो करते होंगे, लेकिन मेरे को जरूर देखते, ठीक है, मैं इंस्टा स्टोरी रिट्वीट पर रिट्वीट किए जा रहा, एक बंदे ने गोकू भाई की जो इतनी खतरनाक स्टोरी चल रही है, जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, आप लोगों तक नहीं पहुंचाई। अगर मैं आपको बताता हूँ ये जो मेरी कॉन्ट्रोवर्सी वाला सीन खड़ा कर रहे हैं ना, देखो अगर मैं उस पर रिप्लाई देता ना, मैंने उससे रिप्लाई दिया, तो उसमें घिसक्कर डाल के जरूर ऑडियंस को दिखाते, जरूर उसको और बढ़वाते उस बात को, और ऐसे ही सीन चल रहा है हाल फिलहाल में। ये जो ये भाई, नाम नहीं लेना चाहूंगा, दूसरे सिरे वाईटी सिरे भाई, उससे जाके तुम पूछ रहे हो, मैंने बात की, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, तुमने मेरे से आगे पूछ ली मेरा क्या सीन था उस पर, मैंने क्या बोला उस पर, मेरे से रिप्लाई देते थे, यहाँ से क्या बात थी। अब तो ये बात हो गई ना, पुलिस है, चलो जज है, जज ठीक है, जज ने दो इधर एक खड़ा है, एक बंदा एक इधर खड़ा है, इस वाले बंदे की बात पूछ ली, क्या हुआ भाई, क्या मैटर था क्या, इसने बोल दिया हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको उड़ा दिया, उसको हिट पहुंचवा दी, ये क्या बात होती है भाई। तुम कॉन्टैक्ट तो करते मेरे से, मैंने अपना इंस्टा वगैरह चेक किया, कहीं नहीं तुमने मेरे से पूछा क्या सीन था, क्या हुआ आयुष कुछ बताओ, जस्ट तुमने एक पक्ष की बात उठाई और ऑडियंस के सामने पूरा मैनिपुलेट कर दिया। ये सब करना छोड़ो, असली काम है वो करो, सही बता रहा हूँ, मूड वूड खराब हो गया ना, ये ऑडियंस छूटिया नहीं बैठी है, तुम लोगों को अंदर से खुद नहीं लगता यार तुम एक पक्ष की चीज दिखा देते हो, मतलब इतने जो लोग हैं तुमको देखते, तुम्हारे फैंस हैं जो भी हैं, उनके मन में दूसरे के लिए पूरी हेट फैला देते हो ना बिना कुछ, तुमको तो कुछ पता है ही नहीं अभी बात क्या है। गाइस, बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले इंद्रो और उनके पूरे सिक्स सेंस टीम के बारे में।
तो मैंने अपने पिछले न्यूज वीडियो में यह न्यूज कवर किया था कि शायद इंद्रो सिक्स टीम छोड़ने वाले हैं और अभी उनकी वही लाइनअप टीएसएम से खेलेगी और उनकी टीम का नाम भी टीएसएम होगा। और टीएसएम एक बड़ी ऑर्ग है जिसके अंदर सिर्फ फ्री फायर का लाइनअप ही नहीं है बल्कि दूसरे ई स्पोर्ट्स जैसे कि पबजी का भी लाइनअप है। और टीएसएम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जब फ्री फायर का पोस्ट अपलोड हुआ था उसके बाद बहुत सारे लोग स्पेशली पबजी कम्युनिटी के लोग स्पैम करने लगे फ्री फायर को गाली देते हुए। वैसे इन्हीं पबजी के बच्चों को बहुत सारे लोग मैच्योर पब्लिक बोलते हैं पर शायद असल में इनके दिमाग के अंदर ये भरा हुआ है। वैसे आप इस टॉपिक के ऊपर क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। गाइस बढ़ते अगले अपडेट की तरफ हम बात करने वाले टोंडे गेमर के बारे में। तो कल वो पहली बार अपने चैनल पे एक फेस कैम के साथ वीडियो अपलोड किए थे। वैसे वीडियो काफी एंटरटेनिंग है एज ऑलवेज, आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस इस वीडियो के लिए पहले इतना ही न्यूज़ था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर देना। बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।